अपनी परफॉर्मेंस जो सर ने ट्रेन किया हुआ था वो की वहाँ पे अपना 100% दिया वहाँ पर अच्छा गोल्ड मेडल आया यहाँ पे सर्टिफिकेट्स और मेडल जो लेके आ रखे हैं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया और बड़ी बात यह है कि फिजिकल इंडोरेंस को मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार लिखेगा ताकि गेम बहुत अच्छी है गुरु तो इसमें सर्टिफिकेट में नेशनल खेलने के लिए गुजरा रहे हैं वहाँ पर बहुत अच्छा रहा कि और नेशनल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल आया और कि कोच का धन्यवाद ये सब मेरे गुरु के कारण है। गुरु ने मेरे को इतना अच्छा ट्रेन किया उसकी वजह से मैं आज मेडल लेके आया हूँ जे एंड के लिए। मेरे को बहुत खुशी फील हो रही है कि मैं जम्मू कश्मीर के लिए मेडल लेके आ रहा हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत नशे वगैरह में जा रही है, वो उससे बाहर निकल के अपने स्पोर्ट्स वगैरह में ध्यान दे और अच्छे से जे एंड के का नाम रोशन करे और उससे ज़्यादा बढ़कर इंडिया का नाम रोशन करे, ओलंपिक वगैरह में मेडल ले। बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। आपके साथ टोटल कितने बच्चे गए थे? मेरे साथ यहाँ जम्मू से 6 बच्चे गए थे, उनमें से 4 बच्चों का मेडल आया और 2 बच्चों का मेडल नहीं आया। और वहाँ पर पार्टिसिपेशन टोटल 5000 से अबव रहती है नेशनल में। सारी स्टेट्स के बच्चे आए होते हैं खेलने, उसमें हमारी फाइटें 5 से 6 फाइटें होती है गोल्ड मेडल लेने के लिए। ये 15 इंटरनेशनल कुडो टूर्नामेंट थी। अक्षय कुमार इसके पैटर्न चेयरमैन हैं, वो हर साल एक टूर्नामेंट अपनी ऑर्गेनाइज करते हैं जो बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बाकी इसके साथ नेशनल होती है और 4th कुडो फेडरेशन कप भी हुआ। ये बच्चों की मेहनत है, यहाँ से बच्चे गए थे, 4000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। हर कोई एक स्टेट पार्टिसिपेट करती है इसमें, इवन के अंडमान निकोबार भी यहाँ पे आए थे, यहाँ वहाँ के बच्चे भी आए थे और बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। बच्चों ने अच्छे तरीके से यहाँ से जम्मू का नाम रोशन किया कि पता लगा कि जम्मू से कोई स्टूडेंट आए हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर गए और 2 मिनट में कोई मेडल जीत के बाहर आ गए। एक एक इवेंट में, जैसे 3 इवेंट थे, 15 अक्षय कुमार टूर्नामेंट, 14 नेशनल टूर्नामेंट, 4th कुडो फेडरेशन टूर्नामेंट, एक एक इवेंट में कम से कम एक एक बच्चे ने 5-5-6 फाइटिंग की और बच्चों को हरा के और अच्छे अच्छे बच्चों का। इवन के ये अभिलव प्रताप ठाकुर है, इसकी फाइट उससे हुई थी जो वर्ल्ड कप खेल के आया कुडो का और इसने उसको भी हराया था, उसको हरा के इसने गोल्ड मेडल लिया हुआ। और जब ये 4th कुडो फेडरेशन कप में खेलने गया तो इसके यहाँ चोट लगी तो डॉक्टर अलाउड नहीं करते हैं। इसका उसमें भी गोल्ड मेडल था जिसमें उन्होंने इसको सिल्वर दिया। तो इस ये बच्चों की मेहनत है, बाकी हम कोचिज का काम है सिखाना। बाकी ये बच्चे अपनी मेहनत के आगे जो जैसा कर आगे बढ़ेंगे हमारा नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। मेरे साथ इस समय स्टार्ट होती है जब हमारा स्टार्ट होने वाला है कि कैसा फाइट जाएगा, कैसा रहेगा। पर जब एक बार जब आप फाइट करने लगते हो तब तो आपको ऐसे अंदर से फीलिंग आती है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर है ये जोश, ऐसे करके आप जीत सकते हो मैच। पर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे लेते हो आप इतनी कम? जैसे आपका जो भी गुस्सा है वो आप पहले नहीं निकालो, आप पहले बाद में निकाला करो। जिस वक्त आपका कुछ फाइट है या कुछ भी है उस वक्त मैं वो ही करता हूँ, उसके कारण भी वो ज्यादा रही हूँ। आज ज्यादा तो वही रही अच्छा कितने घंटे? एक घंटा प्रैक्टिस करके मेडल आ गए। अच्छा मेडल के बारे में बताओ क्या क्या है ये? एक गोल सर, ये इसमें क्या है कि आप जब किसी को नॉन कॉन्टैक्ट पंच, 8 पंच कर लिए वैसे इस कैटेगरी में अगर आप खड़े हो गए, खड़े हो